पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शन पे बालों को क्या हो रहा है यार। अच्छा चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। बिल्कुल। और अभी तक आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर भी कर लो, फॉलो भी कर लो, इंस्टा पे लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं इंट्रो में। मेरा नाम वजाहत है, मैं हूं वशिष्ठ। सो गाइस आज की वीडियो काफी मस्त होने लगी है, तो काफी लोगों ने इस वीडियो का बोला था कि इस पर रिएक्ट किया जाए। तो वीडियो का टाइटल है 11 प्रूफ प्रूफ्स इंडिया इज़ नॉट लाइक एनी अदर कंट्री। मतलब ऐसे 11 प्रूफ बताए गए हैं जिससे मतलब इंडिया किसी और कंट्री की तरह नहीं है। मतलब ऐसे प्रूफ है कोई, मतलब इंडिया इंडिया है। तो ये बताया गया कि इंडिया किसी और कंट्री से कंपेयर मत करो। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। सबसे पहले सॉरी, अननोन मिस्ट्री का वीडियो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी इनका चैनल सब्सक्राइब करना। तो काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। 11 सबूत कि इंडिया बाकी देशों से अलग है। दोस्तों हर देश, हर शहर की अपनी कोई ना कोई खासियत होती है। कई देश अपनी इमारतों, कई देश अपने टूरिस्ट स्पॉट्स, तो कई देश अपने खाने और लाइफ स्टाइल की वजह से खाना ज्यादा पसंद है। लेकिन जब इंडिया यानी कि भारत की आती है तो फिर उसमें क्या खास है, ये बताने के लिए वजह कम पड़ जाती है, लेकिन इंडिया का अनोखापन कम नहीं पड़ता। ये देश कदम कदम पे अपना ऐसा इतिहास और रहस्य एक साथ समेटे हुए है कि इसके बारे में हर एक चीज हमें आश्चर्यचकित कर देती है। चलिए आज आपको सुनाते हैं वो सारे किस्से जो ये साबित कर देते हैं कि हमारा देश बाकी देशों से वाकई में कितना अलग है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। नंबर 11, दोस्तों क्या आपको पता है हमारे देश में पर पर्सन मीट कंजम्पशन रेशियो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कम है। यहाँ के लोग मीट डाइट को रेगुलर डाइट के तौर पे नहीं खाते, क्योंकि इंडिया की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू धर्म को फॉलो करती है, और हिंदू धर्म ज्यादातर सात्विक और शाकाहारी खाने को प्रेफरेंस देता है। एक तरफ जहाँ दुनिया में लोग अलग अलग बीमारियों और अपनी हेल्थ की वजह से वेजिटेरियन डाइट का रुख कर रहे हैं, वहीं इंडिया में वेजिटेरियनिज्म यानी शाकाहार कई सदियों से चला आ रहा है, और ये उनकी जिंदगी के जीने के तरीके में भी शामिल है। इसलिए यहाँ पर ज्यादातर रेस्टोरेंट्स और कैफेज वेजिटेरियन फूड ही सर्व करते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के लोग स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट ही फॉलो करते हैं, लेकिन उनका मानना जरूर है कि मीट न खाकर वो किसी दूसरी लिविंग एनिमल को हर्ट करने से बच रहे हैं, जो कि हिंदुइज्म का बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी आपके लिए परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आपको आसानी से नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। इंडिया में आपको जो करना है, जो खाना है, सब करने की, सब खाने की आजादी है। इंडियन फूड से जुड़ी एक और बात जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है, मसाले, उनमें डाले गए स्पाइसेस। इंडिया काफी पुराने टाइम से स्पाइसेस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर रहा है, लेकिन इंडिया में कश्मीर स्पाइसेस के मामले में सबसे खास है, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव स्पाइस केसर, मोंगरा, लाचा और जर्रा प्रोड्यूस किया जाता है। कश्मीर का पंपोर टाउन पूरी तरह से सैफ्रन फील्ड से घिरा हुआ है, जहाँ पे दुनिया की सबसे अच्छी क्वालिटी का केसर तैयार किया जाता है। नंबर 10, अपने मसालों के अलावा इंडिया अपनी चाय के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। इंडियंस का हर दिन शुरू होता है एक कप चाय से, है कि नहीं दोस्तों? जब चाय की बात आती है तो आपको यहाँ ढेरों तरह की वैरायटी और ऑप्शंस मिल सकते हैं। इतनी तरह की चाय के बारे में तो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपको दार्जिलिंग और असम की चाय के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन क्या आपने कर्नाटक, मन्नार और कांगड़ा की चाय के बारे में सुना है? नहीं ना, ये तो सिर्फ कुछ जगह है जहाँ चाय उगाई जाती है। लेकिन जिस चाय को आप पीते हैं उसमें चाय के साथ साथ कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी मिलाए जाते हैं। जैसे कि आपने अगर मसाला चाय कभी पी हो तो आप बता पाएंगे कि उस चाय में चाय के अलावा अदरक, दालचीनी, इलायची, लौंग और हर्ब्स भी मिक्स किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने कभी मक्खन चाय पी हो तो उसमें मक्खन की मोटी सी लेयर, चाय पत्ती और नमक का टेस्ट फील कर पाएंगे। अब ये ना बोलिए बिल्कुल नहीं है। दोस्तों अक्सर ट्रैवलर्स की हैबिट होती है कि जिस भी देश घूमने जाते हैं वे अपने साथ उस देश में बोली जाने वाली भाषा को बोलने और समझ पाने के लिए किसी न किसी फ्रेज बुक या इंटरनेट का सहारा लेते हैं। लेकिन अफसोस, उनका ये आइडिया इंडिया में काम नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में करीब 8000 कुल भाषाएं बोली जाती हैं और अलग अलग देशों में एक या दो तीन भाषाएं ही प्रचलित होती हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ इंडिया में अपने खुद की करीब 1600 अलग अलग भाषाएं हैं, इसलिए इन भाषाओं को समझने के लिए शायद कोई फ्रेज बुक की मदद न कर पाए। इन 1600 में से 122 भाषाओं को यहाँ प्रमुख भाषाओं के तौर पे देखा जाता है, जिनमें से करीब 30 भाषाओं का प्रयोग यहाँ कम से कम 10 लाख लोग तो करते हैं। उर्दू भी है। इससे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में अमेरिका के बाद अंग्रेजी बोलने वाली दूसरी सबसे बड़ी आबादी मौजूद है। लेकिन एक बात और भी आपको पता होनी चाहिए कि इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद भी इंडिया की अपनी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। 1600। नंबर 8, इंडिया के पंजाब के अमृतसर में मौजूद गोल्डन टेंपल यानी कि स्वर्ण मंदिर एक बेहद खूबसूरत धार्मिक स्थल है। बिल्कुल। स्वर्ण मंदिर पूरी तरह से सुनहरे रंग का बना है और ये मंदिर एक पानी से भरे पूल के बीच में बना हुआ है। स्वर्ण मंदिर भारत में सिखों के सबसे पवित्र और बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है। बिल्कुल। यही वो मंदिर है जहाँ दुनिया भर में मशहूर सबसे बड़ा लंगर आयोजित किया जाता है।
लंगर ऐसे शाकाहारी भोजन को कहा जाता है जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को दिया जाता है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या देश से ताल्लुक रखता हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वर्ण मंदिर के लंगर में रोजाना करीब 50,000 लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है, जबकि किसी खास उत्सव के दौरान यहाँ 2,00,000 तक लोगों को मुफ्त खाना उपलब्ध कराया जाता है। मंदिर में बना ये साधारण भोजन भी काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है और इससे लाखों लोगों का पेट भरता है। इंडिया में मनाया जाने वाला कुंभ मेला भारत में लोगों की सबसे बड़ी गैदरिंग का प्लेस है। वैसे तो ये मेला इंडिया में बारी बारी से 4 अलग अलग स्थानों पे आयोजित किया जाता है, लेकिन साल 2019 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के किनारे पर मनाए गए कुंभ मेले में आए लोगों और तीर्थयात्रियों की भीड़ ने दुनिया की सबसे बड़ी पीसफुल पीपल गैदरिंग का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। यकीन नहीं करेंगे, इतनी ज्यादा होती है कि इसे स्पेस से भी सैटेलाइट द्वारा साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुंभ का फेस्टिवल इस दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक इवेंट है। कुंभ मेले जैसी लोगों की गैदरिंग दुनिया में कहीं भी और देखने को नहीं मिल सकते। नंबर 6, दोस्तों असल में इंडिया जो भी काम करता है उसे काफी बड़े स्केल पर और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए करता है। यहाँ तक कि इंडिया में दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा पोस्ट ऑफिस मौजूद है, जिनकी संख्या है करीब 1,55,000। पूरे देश में आप कहीं भी घूमने जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पोस्ट ऑफिस या पोस्ट बॉक्स जरूर नजर आ जाएगा। लेकिन ज्यादा पोस्ट ऑफिस होने से आप ये मत समझ लेना कि यहाँ लेटर्स की डिलीवरी टाइमिंग काफी कम होती होगी, क्योंकि असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप एक ही शहर में भी किसी सामान या पैकेज की डिलीवरी चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 हफ्तों का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। सीरियसली, इंडिया में रहने के लिए जो क्वालिटी आपके सबसे ज्यादा काम आने वाली है वो है आपका पेशेंस यानी कि धैर्य। नंबर 5, दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स के मामले में दुनिया में 3rd नंबर पे है। इंडिया में आज तक की सबसे महंगी शादी और सबसे ज्यादा सेल्फी लेने जैसे अजीब रिकॉर्ड भी काफी सारे यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें इंडिया में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी शामिल है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक मोटरसाइकिल पर 58 लोगों के बैलेंस बना पाने, अपने फौलादी हाथों से 1 मिनट में 122 नारियल फोड़ देने, दुनिया की सबसे छोटी गाय मानिक के होने, सिर्फ 1 मिनट में कथक डांस के 120 स्पिन करने, और किसी टीनेजर के सर पे सबसे लंबे बाल होने के रिकॉर्ड्स भी बने हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि साल 1930 में महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून के विरोध में साबरमती से दांडी तक 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चली दांडी मार्च यात्रा के नाम आज इतने सालों बाद भी दुनिया में सबसे लंबी दूरी नापने वाले प्रोटेस्ट मार्च का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। इस सॉल्ट मार्च में महात्मा गांधी ने अपने अन्य 78 समर्थकों के साथ पैदल ही करीब 387.8 किलोमीटर की दूरी तय की थी। नंबर 4, यूएस के बाद रेलवे नेटवर्क मौजूद है। यहाँ पर करीब 35,00,000 मील लंबे रेलवे ट्रैक्स बनाए गए हैं, जो कि देश के कम एरिया को देखते हुए काफी ज्यादा लगता है, और इससे पूरे देश में सामान और लोगों का ट्रांसपोर्टेशन काफी आसान हो जाता है। इसके अलावा ये बात भी शायद आपको हैरान न करे कि इंडियन रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और इसमें करीब 10,00,000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और पूरे देश में वृहद स्तर पे फैले रेलवे नेटवर्क की वजह से ही ये लोग भी पूरे देश में छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक में फैले हुए हैं। यहाँ पर जॉब्स की संख्या भी हर साल बढ़ती ही जाती है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि आपको भी वहाँ पे आसानी से काम मिल सकता है। नंबर 3, इसके अलावा एक और चीज जो इंडिया के बारे में आपको काफी पसंद आएगी वो ये है कि यहाँ चीजों के दाम दुनिया के बाकी देशों के कंपैरिजन में काफी कम है। यहाँ सिर्फ $5 और सिर्फ 20 सेंट में एक कप कॉफी या चाय मिल सकती है। सिर्फ यही नहीं, इंडिया में होटल्स और हॉस्टल्स की फीस भी काफी ज्यादा कम है। आप यहाँ $15 से भी कम में किसी अच्छे होटल में एक रात गुजार सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक शहर से दूसरे शहर तक जाने का खर्च भी आपको दुनिया के किसी भी दूसरे देश के मुकाबले कम ही पड़ेगा। इसलिए चाहे आपको कहीं पे ठहरना हो या कहीं ट्रैवल करना हो, इंडिया में आपका वॉलेट आपसे काफी ज्यादा खुश रहेगा। दोस्तों इसके अलावा इंडिया की करेंसी को लेकर आपको ये बात भी जरूर याद रखनी चाहिए कि आप किसी भी हालत में इंडिया की करेंसी यानी इंडियन रूपी और नोट्स को इंडिया के लैंड से बाहर नहीं ले जा सकते। ये पूरी तरह से इलीगल है। इसलिए जरूरी है कि जब आप यहाँ की ट्रिप पूरी करके वापस जा रहे हो तो अपनी करेंसी को एयरपोर्ट पे एक्सचेंज जरूर करवा लें। नंबर 2, दोस्तों इंडिया के यूट्यूब चैनल टी सीरीज और प्यूडीपाई के बीच चल रहे सब्सक्राइबर वॉर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आपको बताने की वॉर अब खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में बेस्ट म्यूजिक कंपनी टी सीरीज का यूट्यूब चैनल अब दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर और सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल बन चुका है। टी सीरीज के यूट्यूब चैनल की शुरुआत 13 मार्च 2006 को हुई थी। टी सीरीज को दुनिया का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब चैनल बनने में करीब 13 सालों का वक्त लगा। दोस्तों टी सीरीज के चैनल पे अब तक 15,000 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और चैनल को कुल मिलाकर 80 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। नंबर 1, दुनिया में यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस का इन्वेंशन एक इंडियन द्वारा किया गया था जिनका नाम अजय वी भट्ट है।
इंटेल से जुड़े अजय भट्ट एक इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने पहली बार 1995 में यूएसबी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी। अच्छा। 1994 में टोटल 7 कंपनियों द्वारा पार्टनरशिप में अजय भट्ट द्वारा इस इन्वेंशन को लीड किया गया था। यूएसबी बेसिकली एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस पे बेस्ड होता है, जिसके जरिए किसी कंप्यूटर से दूसरी पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है। यूएसबी बड़ी रेंज पे कीबोर्ड, माउस जैसे डिवाइसेस से लेके म्यूजिक प्लेयर्स और फ्लैश ड्राइव्स तक को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो ये साबित करते हैं कि इंडिया इस दुनिया में वाकई किसी भी देश से इतना अलग क्यों है। इसे देखने के बाद आपको अपने भारतीय होने पे गर्व जरूर होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार काफी चीजें पता लगी हैं, जिसमें सीरियसली यार मतलब एक किस जगह पे स्माइल आई है, किस जगह हिंदी मिस्ट्री। यार यू आर ग्रेट ब्रो, क्या तरीके से बताया सीरियसली। आपने जो फैक्ट्स बताए यकीन माने हमें नहीं पता थे यार, हमें नहीं पता थे, एक भी नहीं पता था यार। सब मिसाले और ये वो, मतलब मिसाले वाली चाय ठीक है, मैंने आज तक नहीं पी मिसाले यार। मतलब शायद यहाँ से मिलती तो है। हाँ मिलती होगी, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन ये मैंने आज तक नहीं पी हुई। भारत में सबसे ज्यादा मिसाले वाली चाय बहुत पीते हैं लोग, मिसाले वाली बहुत ज्यादा। और यूएसबी वगैरह भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, और वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे थर्ड नंबर पे आ रहे हैं क्रिएट वो उसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और सबसे बड़ा स्टैचू इनके पास है, और मतलब ट्रेन का नेटवर्क इनके पास है, एम्प्लॉइज ट्रेन में सबसे ज्यादा इनके पास है, पैसेंजर सबसे ज्यादा इनके पास है, पोस्ट ऑफिस इनके पास है, मसाले इनके पास है, मतलब सारी ये कितनी चीजें जो मतलब बंदा और भी है तो बहुत थोड़ी सी चीजें बताइए। और कितने मतलब सस्ता इंडिया है, कितने सस्ता। हाँ जिस तरह ऑस्ट्रेलिया वगैरह सस्ते हैं, बिल्कुल बाहर की नस्बत कितना सस्ता है, बहुत सस्ता है। और ये वाक्य में यार वहाँ पे डॉलर्स में मिलता है, अगर भाई डॉलर यहाँ पे एक डॉलर कम कराओ वहाँ पे कॉफी वगैरह तुझे 10-20 डॉलर की मिलेगी। यहीं पे अगर तू आता 20-30 की कॉफी चाय मिलती है। इधर भी यही हाल है, मतलब सस्ती चीजें मिलती है, मतलब जो वहाँ पे मतलब गोरे तो यार जाहिर बात है $10 की कॉफी पी रहे होते हैं, $15 की पी इतर रहे होते हैं, इधर 50-40 रुपए की मतलब मिल जाती है कॉफी। और ये इंडिया की मुझे एक बात अच्छी लगी बशीर, कि ये जो कोई भी फॉरेनर या कोई भी आते हैं अगर वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे तो इंडिया की करेंसी नहीं लेके जा सकते। बिल्कुल, ये इकोनॉमी में बहुत अहम किरदार, बिल्कुल, ताकि बाहर ना यूज हो सके। और दूसरी बात वो मैं क्या बोल रहा था, कुंभ का मेला सैटेलाइट से भी नजर आता है, और काफी गैदरिंग मतलब रिकॉर्ड बनाएंगे, सबसे ज्यादा गैदरिंग वहाँ पे लोगों पीस की गैदरिंग जो पीस की गैदरिंग। और यार इतना बड़ा के सैटेलाइट से नजर आ रही है वो, यार लोग नजर आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है इतना बड़ा। बस यार होता है ना, ये बहुत बड़ा, काफी लोग होते हैं, करोड़ों में लोग होते हैं मेरे ख्याल में उधर। कुंभ का मेला बिल्कुल, हमने नाम इसका सुना है लेकिन इतना नहीं पता था। जब भी इधर भी कोई गुम हो जाए मतलब, तो कहे ये कोई एक जैसे दो लड़के मिल जाए तो कहते हैं कुंभ के मेले में बिछड़ते नहीं, कहते मतलब इधर भी वो मिसाल चलती है अभी भी। बिल्कुल, और अगर आप लोगों को घूसपंस मिले लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना, कौन से आपके अच्छे पॉइंट थे वो भी बताइएगा। तो यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़, नमस्ते एंड सत श्री अकाल।